आनंद जी, सुनीलम जी और मेरे साथियों, जब ये कश्मीर के अंदर हालात बिगड़ना शुरू हुए थे, जब आतंकवाद का कहते हैं कि उदय हुआ था 1989-90 के अंदर, और वहाँ पर जगमोहन भेजे गए थे गवर्नर, तो वहाँ से काफ़ी उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया पूरे कश्मीर के अंदर। जो कर्फ्यू 5 महीने तक चला, उसमें हमारी टीम गई थी, पहली टीम थी मार्च 1990 में, और अजीब अजीब खबरें आती थी, असली खबरें अखबार में यहाँ देते ही नहीं थी हिंदुस्तान के अंदर। तो वहाँ के लोगों का पहला सवाल हमारे से था कि आपके 80 करोड़ के लोगों का जो हिंदुस्तान है, उसमें क्या 80 भी ऐसे लोग नहीं हैं जो यहाँ आकर के देखें कि कश्मीर में हो क्या रहा है। मैं ये 1990 मार्च की बात बता रहा हूँ, जब ये शुरू हुआ था, और उसमें हमने देखा कि जगमोहन ने कहा कि मैं आर्मी से यहाँ के लोगों को काबू कर लूँगा, हालात पे काबू कर लूँगा। जम्मू कश्मीर की पुलिस को उन्होंने बैरिको में भेज दिया था, कश्मीरी पंडितों को उन्होंने कहा था कि आओ जम्मू में बस जाओ, मैं 6 महीने के अंदर हालात सुधर जाएंगे, तुमको वापस ले आएंगे। वो बेचारे कश्मीरी पंडित जगमोहन के वादे के अनुसार वो जम्मू में उनको रिफ्यूजी कैंपों में ले जाए गए, और लेकिन 6 महीने के अंदर वहाँ के लोगों ने तो घुटने नहीं टेके, लेकिन जगमोहन को वापस आना पड़ा। तो हम ये देख रहे हैं कि आप जो अगर ये समझे कि हम आर्मी या फौज की ताकत से वहाँ के लोगों को काबू कर लेंगे, तो हम ये इतिहास बताता है कश्मीर का कि कश्मीर को लोगों को कोई भी अपनी फौज के ताकत के बल पर काबू नहीं कर सकता। वो तो 14वीं शताब्दी के अंदर जो उनके कल्लन जो जो वहाँ जो लेखक थे जो उस समय कश्मीर के अंदर, उन्होंने 14वीं शताब्दी में कह दिया था कि कश्मीर के लोगों को कोई भी अपनी ताकत से काबू में नहीं कर सकता, सिर्फ प्यार से कर सकता है। तो साथियों, ये जो चल रहा है ये ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, मुझे उम्मीद है। और अब बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत समर्थन कर रहे हैं, और इस समर्थन को कश्मीर के लोगों को लिए हमें और आगे बढ़ाना चाहिए, आम जनता में हमको जाना चाहिए, जगह जगह मीटिंग करनी चाहिए, और आप लोगों को देखकर मुझे उम्मीद है कि हम लोग सफल होंगे। धन्यवाद।